अगले साल भारतीय टीम को आईसीसी के दो बड़े इवेंट खेलने हैं। भारतीय टीम की नजरें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीतने पर होंगी। लेकिन उस साल भारतीय सरजमी पर एक और मार्की इवेंट खेला जाएगा। शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम आईपीएल 2025 को लेकर बात कर रहे हैं। इस साल आईपीएल का मेगा ऑक्शन होने वाला है, लेकिन इसी बीच फ्रेंचाइजियों ने कुछ बड़ी डिमांड रखी है जिसका असर मेगा ऑक्शन में हमें देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फ्रेंचाइजियों की वो अनोखी और अजब गजब डिमांड जो अगर लागू हो गई तो फिर आईपीएल 2025 के ऑक्शन में बहुत बड़ी बड़ी खलबली देखने को मिल सकती है। इसलिए वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। आप बता दें कि मेगा ऑक्शन से पहले ही कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। कुछ मार्की प्लेयर्स अपनी टीम का साथ छोड़कर अब नई फ्रेंचाइजी में शामिल हो जाएंगे, जिसमें ऋषभ पंत, केएल राहुल जैसे खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं। इन सब के अलावा माना तो यह भी जा रहा है कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव भी मुंबई इंडियंस का साथ छोड़ सकते हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी फाफ टू प्लेसिस को इस बार रिटेन नहीं करेगी। ऐसे में शायद फ्रेंचाइजी अपने स्टार खिलाड़ियों को टीम में बनाए रखने की कवायद में एक अनोखी तरकीब निकालने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि आईपीएल के साथ फ्रेंचाइजियों ने 2025 के लिए होने वाली बड़ी नीलामी से पहले आयोजित किए गए फीडबैक सत्र में खिलाड़ियों को रिटेन करने और बड़ी नीलामी की अवधि समेत अन्य मसलों पर सुझाव साझा किए हैं। उनकी पहली डिमांड यह है कि हर 5 वर्ष में एक मेगा ऑक्शन होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने रिटेंशन पर भी सुझाव दिया है कि टीमों को 4 से 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने 8 राइट टू मैच कार्ड्स का विकल्प दिए जाने की भी मांग की है। आपको बता दें कि ऑक्शन में आरटीएम कार्ड की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि इससे फ्रेंचाइजी अपनी टीम के खिलाड़ियों की बोली खत्म होने के बाद भी आसानी से अपनी टीम का हिस्सा बना सकती है। लेकिन सवाल यह है कि आईपीएल में टीम ज़्यादा से ज़्यादा 25 खिलाड़ियों का कोर ग्रुप तैयार करती है, और अगर उसमें से 12 खिलाड़ी रिटेंशन और राइट टू मैच कार्ड के जरिए टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर ऑक्शन में वो मज़ा नहीं रह जाएगा जो आना चाहिए, क्योंकि कोई भी फ्रेंचाइजी शायद यही कोशिश करेगी कि उनके अहम खिलाड़ी शायद हर हाल में उनकी टीम का हिस्सा बने रहें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते और किसी वजह से वे रिटेन भी नहीं हुए, लेकिन अगर ऑक्शन में रोहित शर्मा किसी अन्य फ्रेंचाइजी द्वारा खरीदे भी गए तब भी मुंबई इंडियंस अपने राइट टू मैच के कारण रोहित शर्मा को वापस अपनी टीम में हासिल कर सकते हैं। इसमें होता यह है कि बस पैसे शायद बढ़ जाते हैं। अगर मान लीजिए रोहित शर्मा को उस समय 15 करोड़ का बेस प्राइस मिल रहा है और कोई अन्य टीम उन्हें 20 करोड़ में खरीद लेती है तो मुंबई इंडियंस को बस 20 करोड़ रुपए में ही राइट टू मैच कार्ड के जरिए रोहित शर्मा वापस मिल जाएंगे। माना जा रहा है कि आईपीएल और फ्रेंचाइजों के बीच होने वाली अगली बैठक में अन्य तमाम विचारों पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसमें इंपैक्ट प्लेयर नियम पर भी चर्चा हो सकती है, जिसको लेकर टीमों के बीच मिली जुली राय है। 2025 की नीलामी के लिए परसों रिटेन खिलाड़ियों के सैलरी स्लैब पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि आईपीएल 2025 से पहले मेगा ऑक्शन में इस बार क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। अब आप हमें बताइए कि मेगा ऑक्शन में आप किस खिलाड़ी की बोली को देखने के लिए उत्सुक हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल क्रिकेट केसरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर बजाएं।